IMF वालों को चाहिए ये खुद आके चाबी ले ले हमारे मुल्क की। इमरान खान को हटाओ, इमरान खान नहीं मांगता है हम लोगों को। क्यों नहीं मांगता? ना मुल्क बर्बाद किया, बोलो जाओ क्रिकेट खेलो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान कहता है घबराई ना, खुदा के लिए इसको बोले महंगाई सस्ता करो, आदमी फुटपाथ पे आ गए। तो अब ये चोर बाजारी हो रही है, सबसे ज्यादा बड़ी चोर जो है ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ये। मुझे ये बताओ कितनी मुश्किल है, अब उस इंसान को शर्म ही नहीं आती जो इतनी महंगाई कर रहा है। क्या नजर आ रहा है, और खाना खराब हो गया, लेके खाना खराब हो गया, बर्बाद हो गए, 80-85 रुपए किलो हो गए। अभी पहले देखो, पहली हुकूमत में पेट्रोल क्या था, 97 रुपए, अभी क्या मिल रहा है, 150 रुपया। ऐसी हुकूमत चलती है, ऐसे होता है, ये जुल्म कर रहे हैं, हर वजीर आजम ये गलत कर रहा है। चाचा आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जमाने में चीनी और आटा ठेलों पे बिकता था, आज हम वो ढूंढते हैं कि वो चीनी कहाँ मिलेगी और आटा कहाँ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो के अंदर बता रही है कि इमरान खान ने आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा और इतने हज़ारों लाखों घर दे दूंगा, मगर उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और इसी की रिपोर्ट लेने के लिए पब्लिक के बीच में गए। जब पब्लिक के बीच में गए तो उसने पता चला कि जनता अब तो IMF से गुहार लगा रही है, कृपया करके हमारे मुल्क की चाबी आप ले लो, इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा। और हालात इतने गंदे हो गए, अब जनता का रहना मुश्किल हो चुका है, सब्जी से लेकर पेट्रोल, बिजली पानी सब इतना महंगा हो गया कि आम आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये दुखी आके कह रहे हैं इमरान खान से हुकूमत चल नहीं रही, ये खाली क्रिकेट ही खेलना इसके लिए ठीक था, वो ही से आता था, हमने गलती कर दी से वोट दे के, प्लीज़ इमरान खान गद्दी छोड़ दो और किसी और को दे दो चलाने के लिए मुल्क, वरना आगे हालात इतने गंदे हो जाएंगे कि लोग खुद ही मरना चालू हो जाएंगे भूख से। और ये बात सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने गंदे हो चुके हैं कर्ज़ा ले लेके, अब उनके पास खाली 8-9 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क को चला रहे हैं, या तो मुल्क को चलाएं या कर्जा उतार ले। अब ये पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। खातून है, महंगाई के हवाले से हुकूमत कह रही है कि महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है इतनी दुनिया के अंदर है, बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है पाकिस्तान में अभी और महंगाई होनी है, बेरोजगारी होनी है, आप क्या कहती है? महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, AC कमरों में 3-4 गाड़ियों में बैठे वालों के लिए महंगाई नहीं है, हम लोग के लिए रोटी भी मुश्किल है। IMF वालों को चाहिए ये खुद आके चाबी ले ले हमारे मुल्क की। दूसरी बात ये है कि इमरान खान कहता है घबराई ना, खुदा के लिए इसको बोले महंगाई सस्ता करो, आदमी फुटपाथ पे आ गए। ठीक है, मैं मानता हूँ घबराना नहीं है, एक यहाँ की हालत देखें, 2 नंबर की हालत देखें, अस्पताल की गाड़ियाँ जाते हैं, मरीज में जिंदा नहीं जा रहा है, मर के जाता है, भीख मांगने में आ गए, डकैती चोरी और नशे, सब नशे में टूट तबाह हो रहा है मुल्क। कारोबार कैसा चल रहा है, आप क्या काम करते हैं? मैं रोड नापता हूँ। कैसे क्या काम करते हैं? मैं काम करता ही नहीं हूँ। गुजारा कैसे होता है चाचा? करता है, बेहतरी करता है, बैठ के कर रहे हैं। पहले के मुकाबले में अब महंगाई महसूस होती है आपको? हुकूमत कहती है कि सब जगह हो रही है दुनिया में। दुनिया में कहाँ हो रही है मुझे बताओ, पहले हम जब थे अय्यूब खान के दौर में ऐसा महंगाई तो नहीं था। कैसे हैं आप? ठीक है, सिगरेट अगर नीचे करके बात करें, महंगाई आपको महसूस कुछ हो रही है या हुकूमत जिस तरह कह रही है दुनिया भर में हो रही है तो यहाँ पे भी होगी, क्या हो गया? इमरान खान को हटाओ, इमरान खान नहीं मांगता है हम लोगों को। क्यों नहीं मांगता? ना मुल्क बर्बाद किया, बोलो जाओ क्रिकेट खेलो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है, सारा मुल्क बर्बाद है, हर जगह महंगाई है। इमरान खान तो कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया होगा, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, तरस रहे हैं आदमी, तरस रहे हैं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा आदमी रखा है तुम लोगों ने, आदमी रखा हुआ है, अभी बाबा को दो, बाबा भी सुनाएगा। ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को हटाने से कुछ नहीं होगा, चाचा कैसे मसला हल होगा? ये मसला गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये चोर डाकू जो बैठे हुए उनके लिए। कौन है चोर डाकू, किसने पकड़ना है, किसने हटाना है? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ माफिया घूम रहे, पुलिस काम नहीं करता है, हर चीज़ें हो रही, शराब का कारोबार यहाँ हो रहा है, चरस गांजे का कारोबार यहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट करेगा क्या? गवर्नमेंट तो वहाँ बैठा हुआ है, इदारों का काम है ना, तो इदारों को बुलाओ, इदारों को काम करना होगा। जैसे मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, महंगाई की आप बात कर रहे थे, इस इलाके की कुछ तारीख बताइएगा, ये इलाका जो है बलोच आबादी यहाँ पर ज्यादा है, क्या तारीख है इस इलाके की? ये अच्छा था, बहुत अच्छा था, हम लोग सुकून था, हम लोग सही है ना, भुट्टो को टाइम पे हम लोग सुकून था, कोई मुश्किल नहीं था, अभी तो साला हीरो ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बर्बाद है इधर, और पुलिस वाले रास्ते में जो आ रहे हैं गरीब आदमी को पकड़ते हैं, जेब तलाशी ले लेते हैं, कुछ नहीं निकलता, पैसे लेके जाते हैं,
क्या हल है इन तमाम चीजों का? हल क्या है? आपने तो बड़ी हुकूमतें आती जाती देखी होंगी, हल क्या है इसका? खत्म कराओ इस चीज। हुकूमत का कहां पे आपको इसमें किरदार नजर आता है? क्या नजर आ रहा है? और खाना खराब हो गया, लेके खाना खराब हो गया, बर्बाद हो गए, 88-85 रुपए किलो हो गए। हर आदमी फंसा हुआ, इस कदर महंगाई हो गई कि हर आदमी तंग आ गया, जिंदगी से ही तंग आ गया। अब IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में मजीद महंगाई होगी, कैसे गुजारा होगा लोगों का? गुजारा नहीं होगा, लोग खत्म होते रहेंगे, ये गुजारा नहीं है। हुकूमत का कसूर दिखाई दे रहा है? तो सारी हुकूमत का कसूर है भाई, हुक्मरानों का कसूर है ना, ये तो हुक्मरानों के हाथ में है महंगाई करें या सस्ताई करें, ये तो उनके हाथ में है। आवाम को रोटी चाहिए, आवाम को खूबसूरती नहीं चाहिए, आवाम को तो रोटी चाहिए, आवाम को रोटी चाहिए। जब से ये गवर्नमेंट माशाल्लाह हमारी पसंद की आई है, हमने वोट दिया इमरान खान को, हम क्यों कहें हमने वोट नहीं दिया? हमने वोट दिया, हमने सेलेक्ट किया कि तब्दीली लाएं, तो तब्दीली ला रहे हैं कि गरीब आदमी को खत्म कर रहे हैं और अमीरों को ला रहे हैं। पछतावा है आपको जो कुछ आपने किया वोट डाल के? हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने वोट डाला ताकि हमें जिंदगी ना मिले, हमारे बच्चे इससे बुरे हाल में गुजरे, हमारे बच्चे इससे बुरे हाल में गुजरे। लोग परेशान हैं, लोग खुश नहीं है किसी भी सूरत। हुकूमत ये कह रही है कि IMF और वर्ल्ड बैंक गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है, पाकिस्तान में बढ़ गई तो क्या हो गया? तो बेहतर ये है कि ये महंगाई बढ़ाने से पहले लोगों को एक ही दफ़ा सबको मार दें, ताकि ये लोग अब खाने पीने से ना तरसे। मुझे ये बताओ कितनी मुश्किल है, अब उस इंसान को शर्म ही नहीं आती जो इतनी महंगाई कर रहा है, लोगों के गले दबा रहा है, वो कहाँ जाए? वो कहते हैं महंगाई तो हर दौर में हुई है, इस दौर में होगी तो कौन सा ऐसा काम हो गया? नवाज शरीफ को कहते हैं वो चोर है, वो बेशक चोर जो भी था, लेकिन ये कि उसने बड़ा अच्छा, हम उसके वक्त में हम बहुत अच्छा खाते थे। चीनी 115 रुपये किलो के, क्या करेगा आदमी, रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला आदमी। तो अब ये चोर बाजारी हो रही है, सबसे ज़्यादा बड़ी चोर जो है ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है। ये तो हुकूमत सही नहीं है, जितनी महंगी पहले थी यहाँ पे उससे ज़्यादा हो गई है। अभी पहले देखो, पहली हुकूमत में पेट्रोल क्या था, 97 रुपये, अभी क्या मिल रहा है, 150 रुपये। ऐसी हुकूमत चलती है, ऐसे होता है, ये जुल्म कर रहे हैं, हर वज़ीर आज़म ये गलत कर रहा है। चाचा आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक ज़माने में चीनी और आटा ठेलों पे बिकता था, आज हम वो ढूंढते हैं कि वो चीनी कहाँ मिलेगी और आटा कहाँ मिलेगा, ये हाल हो गया है। महंगाई जो है वो हुकूमत कहती है कि जी दुनिया भर में हो रही है, यहाँ पर भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं, आप क्या कहते हैं? सर महंगाई तो बहुत है, हर चीज़ महंगी है, डबल रेट हो गए हैं हर चीज़ के, काम कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं रोड भी बिल्कुल अजीबो गरीब हो गए हैं, हर तरफ गड्ढे हुए हैं, गटर का पानी, पाइपलाइन है, कचरा, सारा निज़ाम बिल्कुल आउट हुआ हुआ है एकदम, कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा ना। सबसे ज़्यादा तो महंगाई की वजह से परेशान है, दिन पर दिन महंगाई हो रहा है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रहा है, हुकूमत अपनों में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा इमरान खान है, इमरान खान बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इसमें सब मिले हुए हैं, ये कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर महंगाई अगर आटा ना बढ़ता ये लोग 10 रुपये पड़ाते हैं, अगर चारा ना महंगा हो रहा है ये तो 2 रुपया पता नहीं 20-25 रुपये महंगा होता है। आटा था पहले 40 का, अब तो 70 का, 80 रुपये का, गरीब आदमी के फोन से बहुत दूर है।